ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे एंड कुछ इंट्राडे के लिए बेस्ट सेटअप्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कैलेंडर पे चलते हैं। तो ओवरऑल आज पीपीआई न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट यूएसडी न्यूयॉर्क सेशन में एक हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो कल का सीपीआई न्यूज़ था स्टिल इट्स इन अ सेम रेंज, कोई यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट एंड एक प्रॉपर मूव देखने को नहीं मिला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कल का जो ओवरव्यू था सीपीआई न्यूज़ का, जो सेटअप मैंने आपको बताया था एनालिसिस करते हुए, वो बता देता हूँ। तो कल के दिन मैंने आपको बताया था, इस जोन पे अगर मैक्सिमम बनता है तो बाई के लिए उठा लेना अराउंड। अगर किसी ने इस जोन पे बाई किया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप होल्ड करो अप टू 2044। अगर इसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी करना है तो एटलीस्ट मिनिमम यहाँ तक जाकर उसके बाद फॉल करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था अराउंड 2044 तक प्राइस यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ। तो ये जस्ट कुछ ओवरव्यू थे यस्टरडे के। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आज की ओवरऑल एनालिसिस क्या होगी, क्या सेटअप देखने को मिलेगा गोल्ड में। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कल एक ट्रैप देखने को मिला था, ये इंडिकेट कर रहा है करेंटली स्ट्रॉन्ग बायस। किस तरह से वो देखने को मिला था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जोन था मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है डेली 4 आवर एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बट क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला था। जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, बट ओवरऑल जिसने भी इसे देखकर बाय किया होगा ओवरऑल ब्रेकआउट पे एक्सेलेरेट हुआ होगा, बिकॉज देखो ये कैंडल क्लोजिंग हुई एज सून एज इट क्लोजेस स्ट्रॉन्ग बुलिश एंड बुलिश कैंडल एंड उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से फिर से इसी जोन में एंटर हो चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो जोन है एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग जोन है। तो मैक्सिमम अगर इसे ब्रेकआउट देना है तो मिनिमम प्राइस जो है यहाँ तक जाएगा, उसके बाद या तो फॉल करेगा या तो उसके बाद यहाँ तक जाकर बेस बनाकर फॉल करेगा। डायरेक्ट यहाँ से अगर फॉल करना चाहे तो ये मैक्सिमम ट्राई कर रहा है बट हो नहीं रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप मैक्सिमम जो है इस जोन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस जाकर एक पुल बैक लेकर उसके बाद फॉल करें। तो उसके लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है ये आप मार्क कर लो। अगर इसके वो एक प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो बाय के लिए। 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट पे एंट्री आप ले सकते हो एंड टारगेट करो मिनिमम 2056 एंड अप टू 64। सो ये एक सिंपल सेटअप रहेगा आज के लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट मिलता है एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग इसके अबव देन यू कैन ट्राई फॉर अ बाय एंट्री ऑन M15 1 आवर आफ्टर रीटेस्ट। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करेंटली मैं आपको एक जोन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ओवरऑल गोल्ड जो है लास्ट 2 दिन से इसी जोन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देता है बट रिजेक्शन लेते हुए फिर से इसी के अंदर क्लोजिंग। एंड यस्टरडे अगर आप देखोगे तो डाउन साइड भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला बट फिर से क्विक रिकवरी देखने को मिली। तो ओवरऑल ये जोन जो है प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर इस जोन का प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाता है आज के दिन या फिर प्राइस जो है एक प्रॉपर आकर यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करता है एक प्रॉपर ब्रेकआउट, तो इट विल बी अ वेरी अमेजिंग ट्रेड सेटअप। सकते हो ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखा है एंड ये वाला जोन कंसोलिडेशन जोन, अगर इसे इन दोनों को ब्रेकआउट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट पे आप एंट्री मत लो बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट वीक ब्रेकआउट देता है बट क्लोजिंग जो है इसके बिलो दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर बाय के लिए ट्राई कर सकते हो 2057 फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट 2067 तक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रिटेस्ट पे इस ट्रेंड लाइन के। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो, अगर प्राइस इसे ब्रेकआउट करे बिना अगर इसी जोन में रहता है या फिर एक ब्रेकआउट देकर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए अगेन फॉल करने लगता है तो फिर आप वेट कर लेना, प्राइस जो है इसी रेंज में देखने को मिलेगा। आज वीकली क्लोजिंग है तो हो सकता है कि एक इंपॉर्टेंट मूव देखने को मिले। अगर फिर से ये जो 2013 का जो लो है मैक्सिमम लो अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1990-2000 तक तो प्राइस देखने को मिल जाएगा। बट एज आई टोल्ड जिस तरह से यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम एक 2067 तक जाएगा, उसके बाद एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है बट कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। सो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन टेलीग्राम चैनल और कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।